सो हे गाइस, क्या हालचाल। तो फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर इंडिया सर्वर अनबैन कंफर्म डेट। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आखिर फ्री फायर इंडिया सर्वर के जो प्ले स्टोर के अंदर आपको कब देखने के लिए मिलेगी और इंडिया के अंदर फ्री फायर बैन होने की कंफर्म रीजन भी बताने वाला हूँ। एंड मुझे पता है कि आप लोग यकीन नहीं करोगे क्योंकि आपको ये लगेगा कि रिस्क भाई ऐसे बोल के चले जाने वाले, लेकिन रुको जरा, मैं ऐसे ही बोल के या तो फेंक के नहीं जाने वाला हूँ। आपको फ्री फायर अनबैन और जो बैन हुआ है उसका रीजन इस वीडियो के अंदर आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। और हाँ, इंडिया सर्वर के अंदर आखिर फ्री फायर कब अनबैन होने वाला है उसका कंफर्म लीक्स भी बताने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले आपके एक कंफ्यूजन के बारे में, जिससे कि काफी सारे मैंने मुझे कमेंट किया था क्रिस की भाई, देखो जो फ्री फायर है उसको हम आसान से खेल तो पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो हम टॉप अप करने के लिए जाते हैं या तो कोई भी ऑफर करने के लिए या तो कोई भी मेंबरशिप करने के लिए जाते हैं तो वो हो ही नहीं पा रहे। ठीक है, यानी कि देखो इसका रीजन है कि फ्री फायर इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, यानी कि ब्लॉक हो चुका है या तो रिमूव हो चुका है, आप सभी को पता है। तो अगर आप टॉप अप करने के लिए जाओगे या तो कोई भी ऑफर करने के लिए जाओगे तो वो नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको ना फ्री फायर मैक्स को ओपन करना पड़ेगा। एंड देखो फ्री फायर मैक्स तो आपको ना प्ले स्टोर एंड जो हमारी ऐप स्टोर है वहां पर भी देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, देखो फ्री फायर मैक्स को अभी तक बैन नहीं किया है एंड मेरे ख्याल से बैन भी नहीं होगा। और जो भाई लोग टॉप अप करना चाहते हैं या तो फिर अपनी मेंबरशिप करवाना चाहते हैं उनको ना फ्री फायर मैक्स को ओपन करना पड़ेगा या तो डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। एंड चलो अब बात करेंगे आपके दूसरे कन्फ्यूजन के बारे में। अब देखो मुझे काफी सारे मैंने कमेंट किया था कि देखो इसके बाद जो गवर्नमेंट वो तो 54 ऐप्स को, मतलब कि जो चाइनीज ऐप को बैन करने वाले हैं, तो उसमें फ्री फायर को ऐड क्यों किया, क्योंकि फ्री फायर तो सिंगापुर का होने वाला है। अब देखो भाई लोग, आपको नहीं पता होगा कि हम तो फ्री फायर बोलते हैं, लेकिन सिंपली तरीके से अगर बात करें तो ये एक गरेना कंपनी होने वाली, ठीक है। इनसे ही बड़ी यानी कि जो गरेना है उसके पिता अगर बोले तो एक सिख कंपनी, जो शायद आपको पता नहीं होगा। एंड देखो सिख कंपनी यानी कि चाइनीज कंपनी जो होने वाली है टीसेंट कंपनी, इनके बीच में कुछ पार्टनरशिप होगी या तो जो फ्री फायर के कुछ शेयर्स होने वाले हैं वो टीसेंट कंपनी के पास होने वाले हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो सिख कंपनी है वो अपने शेयर यानी कि जो अपने डेटा है ना वो टीसेंट कंपनी यानी कि जो चाइनीज है, मतलब कि चाइनीज कंपनी होने वाली है उसको ना बेच रहे, ठीक है। इसके कारण अभी के टाइम पे कुछ टाइम के लिए या तो कुछ अगर बात करें तो फ्री फायर को ब्लॉक किया है या तो रिमूव किया है। जी हाँ, देखो अभी तक फाइनली बैन नहीं किया है। और हाँ देखो, आप लोग फ्री फायर को आसानी से खेल पा रहे हैं इसका रीजन होने वाला है फ्री फायर मैक्स। जी हाँ देखो, इन दोनों के बीच में ना कुछ ज्वाइंट कनेक्शन होने वाले हैं जिसके कारण अभी तक आपको ना फ्री फायर खेलने के लिए मिल रहा है। वरना तो देखो अगर फ्री फायर मैक्स नहीं होता तो आप कब के फ्री फायर बैन हो चुका होता, यानी कि देखो आपको ना फ्री फायर खेलने के लिए नहीं मिलता। एंड देखो जो फ्री फायर मैक्स है उसको तो प्ले स्टोर में आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चलो अब बात करेंगे फ्री फायर को बैन नहीं किया है। जी हाँ देखो, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी फाइनल लीक्स निकल के नहीं आया है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी ना एक ऑफिशियल पेज है जहाँ पर ना कोई भी ऐप को अगर बैन करते हैं तो वहाँ पर आपको तुरंत यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन देखो फ्री फायर को ब्लॉक किए इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो गवर्नमेंट का ऑफिशियली लिंक है या तो जो पेज है वहाँ पर सर्च करने के बाद भी फ्री फायर अल्टीमेट जो हमारा फ्री फायर है वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। जी हाँ देखो, इसका तो मतलब यही हुआ कि फ्री फायर को अभी तक बैन नहीं किया है। एंड देखो अगर आपको मैं दूसरा प्रूफ बताऊँ ना, तो देखो फ्री फायर के अंदर एक न्यू टॉप अप इवेंट आ चुका है जो कि शायद आपको पता ही होगा। एंड देखो वहां पर अगर देखे तो हमारे जो भी न्यू टॉप अप इवेंट आता है वो कुछ ही दिन यानी कि देखो 4 या तो 5 या तो 1 वीक के लिए उससे ज्यादा न्यू होता है। लेकिन अगला जो मतलब कि ये जो न्यू टॉप अप इवेंट आ चुका है ये कुछ ज्यादा ही दिन तक चलने वाला है, यानी कि 3 मार्च तक, अब 15 दिन से भी ज्यादा होने वाला है। अब देखो मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो जो फ्री फायर है उसको इनको ये लगता है कि कुछ टाइम के लिए यानी कि 15 दिन या तो 1 मंथ के लिए फ्री फायर को बैन किया है, जो कि बहुत ही जल्द आपको रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि 1 मार्च तक हमारा जो फ्री फायर है उसको ना आपको प्ले स्टोर में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इंडिया के अंदर आपको प्ले स्टोर में फाइनली देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पर जो अभी के टाइम पे अगर बात करें ना, जो लिस्ट निकल के आई है 54 ऐप्स की, वो तो मेरे ख्याल से मतलब कि फेक भी हो सकती है, ठीक है। नहीं कि देखो ये लोग कुछ भी छापेंगे, लेकिन भाई लोग देखो अभी तक फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ भी निकल के नहीं आई है
कि फ्री फायर को बैन करने वाले हैं। एंड देखो गैना ने भी अभी तक कोई भी लीक्स निकल के नहीं आई है, लेकिन जैसे कोई दूसरी लीक्स निकल के आएगी एंड मेरे ख्याल से तो फ्री फायर अनबैन ही होने वाला है, जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन मत लेना। तो चलो यही कुछ आपको ना इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि फाइनली इस वीडियो के अंदर बता दी है। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन बतानी थी वो फाइनली बता दी है। इसी बात पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल ऑफ गाइज़।